गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप सबको एक नए डेस्टिनेशन में फिर से लेके आ गई हूँ। तो ये है, मैं पहुँच गई हूँ जयपुर, हाँ राजस्थान जयपुर में। तो सुबह की शुरुआत एक ज़बरदस्त नाश्ते से होनी चाहिए। तो मैं आ गई हूँ द टपरी सेंट्रल, जो कि जयपुर सेंट्रल में ही है। यहाँ का बहुत मैंने नाम सुना था, तो सोचा कि थोड़ा सा शुरुआत यहीं से ही किया जाए। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए। हे गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज मैं हूँ टपरी सेंट्रल में, जो कि जयपुर सेंट्रल में ही है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद जयपुर सिटी थोड़ा एक्सप्लोर करूंगी और आपसे मिलूंगी एक नए डेस्टिनेशन में। साजन फूल गुलाब रो सूंघू घड़ी घड़ी, ओ जी केसरिया। हेलो गाइस, मैं अभी यहाँ पहुंची हूँ आमेर फोर्ट, जो कि अंबेर पैलेस भी बोलते हैं, और ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। और ये महल बनाया है राजा मान सिंह ने इन द ईयर 1592। तो कितना अच्छा लगता है ना, इतना सालों पुराना एक बिल्डिंग अभी भी स्टिल इट इज़ स्टैंडिंग टॉल एंड मेकिंग अस प्राउड। सो चलिए चलते हैं हम लोग अंदर। तो गाइस, अंबेर पैलेस पहुंचने के लिए इन पुरानी गलियों से होते हुए आप पैलेस के मेन एंट्रेंस तक पहुंच जाएंगे, जो आपको पुराने दिनों की याद दिलाएंगे, जब राजा इन गलियों से हाथी या घोड़े में बैठते हुए महल आया करते थे। एंट्रेंस में हम लोगों ने एक टूर गाइड हायर किया था, जिसका कॉस्टिंग ₹500 होता है। तो अभी मैं खड़ी हूँ द कोर्ट यार्ड में, जहाँ पे राजा यहाँ पे बीच में बैठते हैं, फिर यहाँ पे सारी प्रजा रहती है, जहाँ पे वो वहाँ का प्रॉब्लम सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। वहाँ गणेश द्वार बोलते हैं, जहाँ से एंट्री है महल की एंट्री, हाँ शीश महल की एंट्री है। टूटी बाजू डारी लो लडोल छे उलझे जाए, टूटी बाजू बंदरी लो लडोल छे उलझे जाए। जो आप पीछे देख रहे हैं, ये बेल्जियम से लाए गए हैं और ये कांच कॉन्वेक्स फॉर्म में काटे गए हैं, और इसको छोटे छोटे फॉर्म्स में आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सजावट की गई है। तो ऐसा माना जाता है जब भी दीपावली आती है या कोई भी फेस्टिवल होता है, यहाँ पे छोटे छोटे लैम्प्स जलाए जाते हैं और इससे पूरा रिफ्लेक्शन से पूरा जो शीश महल है वो इल्यूमिनेट होने लगती है। हमारे पच्चीस
अंबेर पैलेस से निकलने के बाद हम पहुंच गए जल महल। हे गाइस, तो अभी हम हैं जल महल के सामने। यहाँ आप जा नहीं सकते, बस खाली दूर से आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ आके देख सकते हैं जल महल। पहले ये सिर्फ एक टीले जैसा ही था जहाँ पे राजाओं का रेस्टिंग प्लेस था, पर बहुत सालों बाद यहाँ पे पानी जमा होने के कारण इसको जल महल का नाम दे दिया गया। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आपको देखने मिलेंगी जल महल के पास, जहाँ पे आप सुवेनियर खरीद सकते हैं या फिर जो राजस्थानी अटायर है वो भी आप पहन के फोटो खिंचवा सकते हैं। ये गाड़ी हम लोगों ने 13,000 रुपये में 9 दिनों के लिए बुक किया है, और ये जो वेबसाइट है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियों का ऑप्शन है, जैसे कि स्विफ्ट से लेके, ये तो गाड़ी हम लोग का स्विफ्ट है, स्विफ्ट से लेके आप थार फॉर्चूनर तक गाड़ियाँ आपको मिल सकता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू योर बजट। सो यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन रोम अराउंड, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फ्रीनेस देती है घूमने के लिए। और अभी तो बहुत सारा धूप लग रहा है मुझे, मैं जा रहा हूँ अभी ड्राइव करने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। जयपुर आए हैं और यहाँ का फेमस ऑथेंटिक फूड ट्राई नहीं किया तो क्या ही किया होगा। तो हम लोग पहुँच गए नमस्ते रेस्टोरेंट, जो यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है, जो बिल्कुल ही जल महल के सामने है। रोस्टेड पापड़ और मंगोड़ी मींस इज द दाल, ठीक है, एलो लेंटिल्स वो मिक्स करके, ये पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, ये कड़ी है योगर्ट बेस और ग्राम्स फ्लावर, ठीक है, ये गट्टे की सब्जी, ये गट्टे वो, ये भी ग्राम्स फ्लावर है, इसको डीप फ्राई करके कम विद द ऑनियन सॉस, ठीक, ये मिक्स में दाल फ्राई एलो दाल, ये योगर्ट, ये चूरमा है, चूरमा ये जी, ये रावा और बीट का मिक्स होके बनता है, ये सैलड राइस, रोटी आपके दो तरह का है, एक है नॉर्मल तंदूर रोटी और दूसरा मिस्सी रोटी, ये भी थोड़ा फ्लेवर मिक्स में होके आता है, ग्राम फ्लावर चिक पीस फ्लावर मिक्स होके, ये वेज थाली में आपका जी, ये पापड़, ठीक है, ओके, और ये नॉन वेज थाली, एक्चुअली नॉन वेज थाली में ये वेजिटेबल और चूरमा राइस ये सब सेम ही रहेगा, बस इसमें चिकन करी रहेगा और ये एक राजस्थान का स्पेशल होता है मटन लाल मांस, वो ऐड है इसमें, एक मटन एक चिकन, बाकी ये ग्रेवी सेम देगा, इसमें एक्स्ट्रा बस चिकन और मटन। गाइस, तो ये हवा महल महाराजा सवय प्रताप सिंह ने सन 1799 में बनाया था अपनी रानियों के लिए, ताकि जो भी रास्ते से झांकियां निकले वो यहां से देख पाए। सो ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है, अगर आप जयपुर आते हैं तो ये मिस कभी मत कीजिए। ये आमेर फोर्ट के पास में ही है, यहाँ एक ही साथ आपको हवा महल, जल महल, आमेर फोर्ट और आपको ऑथेंटिक राजस्थानी थाली भी आपको खाने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए दिखाते हैं हम लोगों का होम स्टे, जहाँ हमने दो दिनों का स्टे किया है, जिसका एकोमोडेशन ऑनलाइन बुकिंग से किया था। गाइस, तो मैंने जयपुर में अपने स्टे के लिए चुना है ये सुंदर सा होम स्टे, जो कि सेंट्रल लोकेशन में ही है जयपुर में। तो चलिए मैं आपको अपना रूम टूर करवाती हूँ, तो आइए। ये है मेरा बेडरूम, सो यहाँ पे एक थोड़ा सा किचन लेट दिया है, यहाँ पे आप अगर चाहो तो कुक कर सकते हो इफ यू हैव द यूटेंसिल्स, यहाँ पे गर्म पानी के लिए भी दिया है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा बैल्कनी है, एक पैशियो टाइप का, आप यहाँ आके थोड़ा
थोड़ा सा आराम कर सकते हैं. यू कैन स्पेंड सम टाइम हियर. गाइस, तो अभी हम लोग बापू बाज़ार से आए हैं, तो बहुत ज़्यादा रश है. हम लोग का पर्सनल गाड़ी था, फिर भी हमें एक काफ़ी रिक्शा से जाना पड़ा. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा. अगर आप यहाँ आते हैं, स्पेशली इन मार्केट प्लेसेस, प्लीज़ डू नॉट कम इन योर पर्सनल व्हीकल. यू हैव टू कम इन ई रिक्शा और अ प्राइवेट थिंग. पार्किंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ना, आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे. और पार्किंग का फीस है 30 rupees फॉर एन आवर एंड दे वर चार्जिंग मोर देन 60 rupees. बट 30 rupees में काम हो गया एक घंटे में. तो यहाँ पे आएंगे तो कभी भी मार्केट प्लेस में गाड़ी लेके मत आइए, दूर में रख के आइए, उसके बाद ई रिक्शा में आ जाइए. बापू बाज़ार एक्चुअली फेमस है ये आपका, जो भी सुवेनियर आप खरीदना चाहते हैं सब कुछ के लिए यहाँ पे, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, ये सब कुछ इधर मिल जाएंगी. आपको एक बार ज़रूर यहाँ आना चाहिए. एक ऑथेंटिक आपको जयपुरी ड्रेसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी. जयपुर आए हैं तो ज़रूर लाइट एंड साउंड शो देखना चाहिए. टिकट कॉस्ट इज जस्ट 250 पर पर्सन. धर्म और तहजीब का बहुत बड़ा संगम हुआ. अकबर सांगानेर से जाते हुए राजा भारमल के पोते मानसिंह को साथ ले गए. जयपुर की एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जिसका नाम है ब्लू पॉटरी. एक सदियों पुराना क्राफ्ट है जहां पर्शियन सिरेमिक डिज़ाइन का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है. इस स्टोर में काफ़ी सारे ब्लू पॉटरी क्राफ्ट्स आपको मिलेंगे जो हैंडमेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लावर वेस टू कीचेन, वॉल हैंगिंग्स एंड मैनी मोर. तो अभी हम ब्लू पॉटरी के वर्कशॉप में आए हैं, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ब्लू पॉटरी कैसे बनती है. चलिए. सिरेमिक डो को पहले चपाती में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसको फाइनल आकार दिया जाता है. बनने के बाद इसको फिर इस तरह से निकाल लिया जाता है और बन गया हमारा फ्लावर वेस. अभी यहाँ कलरिंग के बाद फायरिंग किया जाता है. यहाँ आप लोग आ सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगी. यहाँ पे ये शॉप का नाम है जयपुर ब्लू पॉटरी. आपको अगर एंटीक चीज़ें पसंद है या फिर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ब्लू पॉटरी में आप ज़रूर आइए. यहाँ आपको बहुत सारी ऐसे पिक्चर्स मिलेंगी, सुवेनियर्स आपको मिलेंगी, डेली यूज़ के लिए आपको सामान मिलेगा. आप लोग ज़रूर आइए. सो गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.